अगर जीत जाते हैं तो जीत गए मेरे तरफ से उनको फॉर्च्यूनर, अगर जीत गए तो और रांची से इस्तीफा। अच्छा नमस्कार, इस समय लोकसभा घोसी अंतर्गत उपस्थित है रसड़ा विधानसभा है, और इस रसड़ा विधानसभा में देखने को यह मिला कि इंडिया जो गठबंधन को लेकर तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। आइए इन लोगों से खास बात करते हैं। क्या नाम रहेगा? मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार यादव जी, जिला उपाध्यक्ष बलिया। हम लोग उसी दिन जीत गए और जिस दिन ओम प्रकाश राजभर को टिकट मिला। दावा कर रहे हैं कि एनडीए को मजबूती दिलाएंगे। उसने अगड़े पिछड़े किसको छोड़ा है, सबको गाली दिया है और लोग अपना हथियार तैयार करके और बैठे हुए हैं कि आओ आओ हम लोग अब हथियार से और तुम्हारी दवाई करते हैं। हैं, उसने ब्राह्मण को गाली दिया है, ठाकुर को गाली दिया है, भूमिहार को गाली दिया है और यादव को गाली दिया है और भौरों को गाली दिया है और हरिजन को गाली दिया है। उसने किसको छोड़ा है ये बताइए। आखिर का सत्य दल में तो शामिल तो भी वही हुए हैं भाई। शामिल से क्या मतलब है? अगर उनके गाली की साबित करती तो कहीं ना कहीं ये जो डबल इंजन की सरकार है वो शामिल करती। डबल इंजन की सरकार, चाहे अगर मोदी जी या कोई भी आ जाए, टकरा रहे हैं। हाँ, अब दोनों टकरा रहे हैं। जो मोदी का मोटर है वही खोज रहा है कि हम उसकी दवाई करेंगे। अच्छा, हम हमें यहाँ से इंजन टकरा रहे हैं। क्या नाम है? दिल्ली का इंजन और लखनऊ वाला देवनाथ यादव मेरा नाम है। हाँ, ओम प्रकाश राजभर ने चैलेंज किया था घोसी में कि मैं अखिलेश यादव को हरा कर सैफ ही नहीं भेज दिया तो असल बाप का बेटा नहीं। तो मैं ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहता हूँ, वैसे तो हम लोग उनके पिताजी का सम्मान करते हैं, हम लोग इतना बुरे आदमी नहीं है कि किसी के पिता का अपमान किया जाए, लेकिन मैं ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहता हूँ कि असल बाप के बेटा है कि नकल, बस वही बता दे। इस समय आप लोग कह रहे हैं कि उनके बातों से सब खपा है, लेकिन देख रहे हैं कि आज वही जो है चर्चा नहीं, में नहीं, और नहीं, मंत्री नहीं, बन गए हैं। कहीं नहीं, चर्चा इसलिए है, चर्चा में इसलिए है कि बुरी तरह से हार रहे हैं, उनकी हार की चर्चा है। हार की चर्चा, उनकी हार की मंत्री चर्चा बन गए इसी तरह। हाँ, मंत्री तब का? अरे मंत्री तो ऊपर वाले की निगाह हो गई यार जोगी बाबा। आप लोग विरोध भी कर रहे थे कि नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। अरे हम लोग क्यों विरोध करें भाई, हम लोग की पार्टी थी, पार्टी तो बीजेपी। अरे विरोध तो बाबा कर रहे थे, जोगी बाबा विरोध जोगी बाबा कर रहे थे, जोगी बाबा के सर पे लात रख करके मंत्री बन गया, इसीलिए तो कर रहे कि दोनों इंजन टकरा रहे हैं। अच्छा, जी ही उनको हराना चाहते हैं। अभी सुन लीजिए, देश में इस समय जो वर्तमान में जो सरकारें चल रही है, भारतीय जनता पार्टी में चल रही है और देश में कभी अशुभ बाण राम सांस देश पर मुक्ति पावे खातिर इंडिया गठबंधन ही काफी है। इंडिया गठबंधन का जनता लाइक कर रही है, प्रत्याशी जी भी। चलिए, हमारे साथ आप मौजूद है इस वक्त, आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखा पा रहा हूँ इस वक्त। जैसे कि जैसे आप लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर हार रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आप घोसी से कोई लड़ेंगे ना है। लड़ाई कहाँ है? वो कह रहे कि कोई हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। वो सही कह रहे हैं कि लड़ाई नहीं है, वो सही जब इधर एक करपा है तो लड़ाई कहाँ रह गई? वो सही कह रहे हैं लड़ाई नहीं है। कहते हैं कि गब्बर सिंह के सामना कौन करेगा? अरे गब्बर सिंह कौन था? गब्बर सिंह कौन था? गब्बर सिंह की हालत अंत में क्या हुई थी? वही उनकी हालत ही है, आखिर चुनाव उनका है वही। तो भाई उनके जो है बातों से डरते थे ना, भय था ना कि गब्बर सिंह आ रहा है, इसी चुनाव में परीक्षा है। अच्छा, इसी चुनाव में उनको पता चल जाएगा कि कितना वो गब्बर हैं, इसी चुनाव में पता चल जाएगा। बोलेपन से कुछ भी बना गब्बर या चाहे कुछ भरपूरपन से नहीं हुआ है। वो आदमी उल्टा सीधा पद पा गए, मंत्री बन गए, करे कुछ भी नहीं पा सकते हैं। हम लोग क्यों कहेंगे कुछ भी नहीं पा सकते? आप ही ना बोला है। नहीं नहीं, ये समझ सारा है ना, लब्बो लुआ भी यही है या कि लगभग 3 लाख से वोट से हारेंगे। आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। अच्छा? हाँ, अगर 3 लाख से अगर कम हो हाँ। तो हम लोग देखिए राजनीति इस्तीफा बाबा कर जीत गए तो उनको गिफ्ट मिलेगा। अगर जीत जाते हैं तो गिफ्ट है मेरे तरफ से उनको फॉर्च्यूनर, अगर जीत गए तो और रांची से इस्तीफा। अच्छा, मिलेंगे मेरा नंबर भी नोट करिए, 94 26 नंबर भी नोट करके, भागने वाले नहीं है। यहाँ
देखने को मिला। सबसे बड़ी चुनौती तिहार सीधे सीधे जाओ बनारस जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे यहाँ। अब वो कोई प्रत्याशी हो अगर बड़ा सामने आ रहा है, देखते हैं कि हसराज भाई को अभी आने की आते हैं विषय और सामने नजर आ रहा है। जय हिंद।